बसमिल प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूँ नवीत निज़ामी एक ख़ूबसूरत सुबह और एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका और मेरा खूबसूरत साथ है आज सुबह सवेरे जब मैं आ रहा था तो आपको डेफिनेटली ये बात पता है क्योंकि अब तो हम काफ़ी आपके साथ अरसे से हैं आपको डेली कोई ना कोई नई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में तो एक फ़ील आ रही थी जो चीज़ बार बार जहन में पिछले दिनों कुछ कुत्तब पढ़ी उनके बारे में जब उनका खुलासा हुआ तो जहन में कुछ चीज़ें आ रही थी बार बार और वो क्या थी? वो ये थी कि अगर आपके इर्द गिर्द या आपके प्यारों से आपके अपनों से अगर आप आ, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं ऑफ़िस में आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिनसे आप गुफ्त शनीद करते हैं जिनसे आप आर्ग्यू करते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए या डिस्कशन करते हैं अगर वो किसी सोलूशन तक ना पहुँच पाए तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपके ताल्लुत ख़राब हो गए इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप अपार्ट फ्रॉम दैट साइड एक दूसरे की तरफ से दूर हो गए हैं गुफ्तु करनी चाहिए डिस्कशन करनी चाहिए एक दूसरे से बात करनी चाहिए इससे चीज़ें हल होती हैं और अगर आपका जो मौक़ है जो आपकी राय है जो आप सोचते हैं दूसरा उस तरह से नहीं सोचता तो आप उसकी सुने अपनी सुनाएं कुछ उससे बेहतर ले लें कुछ अपना बेहतर दे दें मिलजुल के दरमियाना रास्ता निकालें और हमारे नबी करीम सल्ला वसलम का भी तो फ़रमान है कि म्याना रवि अख्तियार करनी चाहिए तो म्याना रवि अच्छी चीज है एक दूसरे को स्पेस दें एक दूसरे का साथ दें एक दूसरे को सुने सोलूशन को हल करें करेंट ना हो यह नहीं कि जहां पे मैं खड़ा हूं ये बात बिल्कुल है। और जहां पे दूसरा कर रहा है अपनी राय देना चाह रहा है वो कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं फिर चीजें रिजट हो जाएंगी फिर चीजें सख्त हो जाएंगी चीज सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी और रबे खत्म हो जाएंगे रबते खत्म नहीं करने चाहिए जोड़ने की बात करनी चाहिए मिलने की बात करनी चाहिए आगे चलने की बात करनी चाहिए तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रहा था प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको जनाब पता है कि प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले तलावतें कुरान करीम सुनने की सादत हासिल करते हैं उसके बाद आज का वजीफा आज की शख्सियत शामिल किए जाते हैं आप जो सवाल हमें लिख भेजते हैं बड़ा जबरदस्त फीडबैक है उसका हम आपकी राय का एहतराम करते हैं आपके सवाल जो आप हमें लिख भेजते हैं तकरीबन सबको हम शामिल करने की कोशिश करते हैं हमारे जो रिसर्च डिपार्टमेंट के लोग हैं जो हाशिम साहब हैं हमारे मैं स्पेशलिस्टली उनको थैंक्स कहूँगा कि एक दिन में जितने सवाल आते हैं उनको शामिल भी करते हैं उनको कंपाइल भी करते हैं उनकी काट छाट करके उनको सही अल्फाज में आगे पेश भी करते हैं और फिर हम आपके जवाब पेश करने की कोशिश करते हैं आज की बात में जो अहम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह होगा जाहली रसूात जिसको उर्फ आम में जाहिलाना रसूत भी कहा जाता है सकील लफ्ज में अगर कहा जाए तो जाहली रसूमत इसके बारे में बताएंगे कि कौन सी रसूमा है हमारे दीन में जो खुद से इख्तरा पैदा कर ली गई है जो नहीं करनी चाहिए हमारे समाज हमारे रिवाज हमारे माशरे में जो ऐसी चीज़ें परवान चढ़ रही हैं या चढ़ चुकी हैं जो नहीं होनी चाहिए जो दीन हमें इजाजत नहीं देता उन पर हम डिस्कशन करेंगे और फिर नाते मकबूल पेश की जाएगी जादू जनादेशों कावत करीम के लिए कारी मोहम्मद आसिफ मतवली साहब मौजूद हैं फाजल करात है। आपके आने का बहुत शुक्रिया इनके साथ मौजूद है हमारी हस्ती मुस्कुराती शख्सियत मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब जी एक अरसे ये शरीय और हदीस के अलूम के उस्ताद हैं फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं पी एच डी स्कॉलर हैं सर अलैक् वाले आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेलकम सर सर बहुत सी बातें भी करेंगे पहले तलावत कुरान करीब सुनने का शर्फ हासिल करते हैं कार्य साहब आपसे गुजारिश है तलावत फरमाइए بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها

ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان

वसलात वसलाम अशरफी अम्बिया अमद निशामी साहब आपके लिए खुश खबरी है माशा सर बहुत शुक्रिया न सिर्फ आपके लिए बल्कि सारी टीम के लिए माशा माशा कोई भी बंदा जब भी कोई काम करता है और जब वो उसकी कामयाबी देखता है उसको फीडबैक मिलती है तो रूहानी खुशी मिलती है बेशक कल एक बुजुर्ग स्पेशल मिलने आए अच्छा और आते ही है कहते हैं बटी साहब आपने इतने वज़ाहब बता दिए हैं और तस्वीर हाथ में थी माशा कौन सा करूं और कौन सा छोडूं? मैंने कहा जी आपको जो आसान लगता है आप वो कर लें कहते हैं, फिर मैं आपके बताए फला वजीफा रोजाना सौदा पढ़ता हूँ माशा आप जरा वह तस्वर करें मेहनत वो बुजुर्ग कर रहे हैं और ये जो हमारी पूरी टीम है इन सबको भी बराबर की नेकियाँ मिल रही मैनेजमेंट जो ये सारा इंतजाम कर रही है उनको भी बराबर की नेकियाँ मिल रही हैं वो सहा खैर जो तावन करते हैं उनके तावन से ये प्रोग्राम चल रहा है उनको भी बराबर मिल रही है माशाल्लाह तो बहुत खुशी हो रही है बेशक सर कि वो बुजुर्ग सिर्फ ये बताने के लिए कि ये ये मैं करता हूँ और मजदीद मुझे बताएं कि मैं क्या कर बड़ी खुशी बेशक आप ठीक है बड़ी खुशी होती है आपको बड़ा हौसला बढ़ता है जी हाँ तो वो बहुत खुशी हुई कि माशाला जी जो हम बताते हैं लोग उनको सुनते भी हैं याद भी करते हैं अमल भी करते हैं तो आज भी एक ऐसा ही खूबसूरत वजीफा है कि क़्यामत का मंजर है और बहुत खौफनाक मंज़र है कि जब कोई सिफ़ारशी नहीं मिल सकेगा अल्लाह अकबर बल्कि सिफारशी क्या मिलना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो दिन ऐसा खौफनाक है कि यौम य या फ़िरमर मिन अख़ी व उम्मी ही व अबी व साहबती ही व बनी कि मोहब्बत करने वाली वालदा शफकत करने वाला बाप वो ज़ोर बाजू बनने वाले भाई जिनको हम कुव्वत समझते हैं कि मेरा ख़ानदान मेरे भाई मेरे साथ वो औलाद जिनके लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं उस दिन कोई भी नजर नहीं आएगा अल्लाह सब छुप रहे हैं भाग रहे हैं कि के ये अकेला फंसा हुआ है हम नहीं साथ देंगे उस दिन किसी की सिफारिश चाहिए किसी का साथ चाहिए तो आज का वजीफा कैसा शानदार होगा कि नबी राहमतर सल्लाल। खुजू जन्ना को मिनन्नार जहन्नम से अपना बचाओ अपना असला अपनी डाल ले लो कि जो तुम्हें जहन्नम से बिचार सके ऐसा कोई वजीफा ले लो तो सहाबक राम ने यकीन कहा होगा अल्लाह रसूल ज़रूर दीजिए अभी दीजिए बेशक फरमाया ये जो कलेमात में बताने लगा हूं ये क्यामत वाले दिन इंसान के सामने भी होंगे पीछे भी होंगे दाएं और बाएं भी होंगे और इसकी हिफाजत कर रहे हैं ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल इसकी हिफाजत कर रहे हैं कहाँ से कि यह जहनम में नहीं जाएगा अल्लाह के यहाँ सिफारिशें कर रहे हैं कि अल्लाह ये नहीं जाएगा यानी हिसार हिसार, हो जाएगा। चारों तरफ, तरफ सर, सर। अकबर ये चार कलेम अल्लाह को बहुत महबूब है बहुत प्यारे हैं क्यों है क्योंकि इसके अंदर बंदा इंसान अपने रब की तारीफ करता है सुबह अल्लाह तो पाक है किस चीज से कोई नुक्स नहीं है तेरे अंदर अल्लाह सारे खजाने तेरे भरे हुए हैं तेरी रहमत बहुत वसी है हम तेरे फकीर हैं तो तू गंज बख्श है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब शुक्र भी मैं तेरा अदा करता हूँ वला इलाहा अल्लाह मेरी हर किस्म की इबादत का हकदार भी तू ही है बेशक वला बेश्यक। वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ ना तो वाह हूँ लेकिन अल्लाह तेरी ताकत के साथ तेरी तौफीक के साथ मैं निकियाँ भी कर रहा हूँ और गुनाहों से भी बच रहा हूँ इन कलेमात का इजहार जब बंदा करता है तो ये अल्लाह को महबूब बड़े हैं प्यारे बड़े हैं और क्यामत वाले दिन इंसान का हिसार करके तो ये जन्नत की तरफ ले जाएंगे और ये वो कलेमात हैं जो अर्श के पास गुनगुना रहे होते हैं कलेमात गुनगुना रहे हैं कलेमात गुनगुना रहे है। गुन होते हैं सर तो इनकी आवाज ऐसे आती है जैसे शायद की मक्खियों की आवाज आती है तो ये जिक्र करने वाले अल्फाज ये चार महबूब तरीन कलमे इनको हमने अपनी रूटीन बना लेना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा कहता है ना अल्लाह अल्लाह उसको सुबहानल्लास नेकियां देते हैं जो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह उसको तीस नेकियां देता है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह उसको बीस नेकियां मिलती हैं जो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उसको भी बीस नेकियां मिलती हैं तो ये कितना टाइम लगता है इनको पढ़ने में क्या मत दिन एक एक नेकी का बंदा मुख्ताज होगा ढूंढता फिरेगा और मिलेगी नहीं और यहाँ आप कोई भी चीज़ देखें कोई भी अल्लाह की नेमत देखें तो फौरन कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी हो गया बीस नैकियाँ भी मिल रही हैं तो खूबसूरत चीज़ देखें सुबहानल्लाह की कुदरत पर तो बीस नकियाँ भी ले लें कोई चीज़ कोई नमत अलहद ला रबी तीस नकियाँ भी लें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें सुबह तो उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इन शीफ़ा भी जारी रखेंगे और उनको स्वाब भी मिलेगा और हमें बताने का इन शुरू दिल खुश कर दिया दिल बड़ा कर दिया अल्लाह तला बरकते दे सर एक दफ़ा रिपीट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते सुबहानल्लाहमदल्ला अकबर ये कलिमा तरतीब रखने की जरूरत भी नहीं है ठीक है कोई आगे पीछे हो जाए तो भी मुश्किल नहीं है एक एक करके पढ़ लें कोई बंदा कहता है जी मैं तो पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले सुबहानला ही पढ़ूंगा ठीक है पढ़ता रहे अल्हम्दुलिल्लाह ला रब आलमिन पढ़ना चाहता हूँ पढ़ता रहे अल्लाह अकबर पढ़ रहे तो पढ़ता रहे

जो उन्हें जन्नत में उनके मनपसंद के मकाम पर उड़ा उड़ा कर पहुंचा रहा है उन्होंने अपनी बहन और रसूल करीम सलील वसल्म की प्यारी बीवी उमुल सैयदा हफसा रजील्ला के जरिए इस ख्वाब की ताबीर आप सल्हस से पूछी रसूल करीम सल्हसम ने फरमाया अब्दुल्ला नेक आदमी है ये थे अब्दुल्ला बिन उमर रजी आप जवानी से मुतकी और परहेजगार मशहूर हुए रसूल करीम अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अजीब पैकर थे रसुल करीम अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद निहायत शिक्स्ता दिल हो गए आप वसल्लम का जिक्र आने पर रो पड़ते सीरत निकारों के मुताबिक इसी ग़म में आपने इस्तात के बावजूद अपने लिए मकान और बाघ नहीं लगवाया रसूल करीम सल्हस की वफ़ात से आप नहायत गमजदा हुए और कई साल गोशा रहे मुख्तलिफ अवत में अपनी सारी दौलत सदका करके खुद तंगदस्ती को तरजीह दी अब्दुल्लह बिन उमर खिलीफा तोम सैदना उमर और जैनब बिनते मज़ोन रसी नुमा के बेटे थे रसुल करीम सल्ह वसलम की बेसद के दूसरे साल आप पैदा हुए सदुना अब्दुल्ला बिन उमर रसुल करीम सलील वसम से मिसाली मुहबत रखते और सुनते रसूल सल्ल के नहायत शदत से पाबंद थे आप इतफाकी और बशरी आदात के तौर पर सरजत होने वाले रसूल करीम अफ़ाल की भी पैरवी किया करते थे आप एक ही बार बीस बीस हजार दिरहम तकसीम कर देते उसके बाद भी कोई ज़रूरतमंद आ जाता तो उसे भी कर्ज लेकर दे देते इबन उमर रजील्ला रसूल करीम सल्ह वसलम के अहले बैत से शदीद मोहब्बत रखते थे नवासे रसूल की शहादत के जिम्मेदार अफराद के इलाके से ताल्लुक रखने वाले किसी फर्द ने मच्छर मारने का गुना दरियाफ्त किया तो आप सख्त अंदाज में फरमाने लगे इन लोगों को देखो नवासे रसूल शहीद कर देते हैं और मच्छर मारने के गुनाह की इन्हें फिक्र है सही उमर रजी अल्लाह रजील्लाह को बद्र और उहद के गबात में कम सीने की वजह से शिरकत की इजाज़त ना मिली मगर गजवा खंदक से आप हर गजबा में शरीक हुए सैदुना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में सईदुना अब्दुल्ला बिन उमर अफ्रीका त्यूनस अलजसायर मराकश तब्रस्तान और खुरासान के जिहाद में शर्क रहे रसूल करीम सलील वसलम के बाद इबन उमर रजी अल्लाह तकरीबन साठ साल जिंदा रहे इलम सीखना और सिखाना ही आपका मशगला रहा आप हज के मौके पर बैतुल्लाह में आए हुए दुनिया भर के मुसलमान हाजियों के शर्यी मसाइल का हल बताते आपके इमी जखीरे से लाखों लोग आपकी जिंदगी में जबकि अनगिनत लोग क्यामत तक मुस्तफीद होते रहेंगे रसुल करीम सल्हसम से सुनी हुई हदीस आप उन्हीं के अल्फाज में बयान करते थे किसी मजलिस में हदीस रसूल बयान करते हुए सईदोना उबैद बिन उमेर ने रसुल करीम सल्हसम के अदा किए हुए किसी एक लफ्ज का मतमदिल बोल दिया सईदाना इबन उमर ने टोकते हुए फौरन इस्लाह फरमाई वो उम्र में बड़े होने की वजह से इबन उमर रजी अल्लाह से नाराज होने लगे तो आपने अर्ज़ किया कि बात हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लफ्स ना सुने होते तो मैं खामोश रहता फितनों के दौर में आप हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अलग थलग रहे या उम्मत मुस्लिमा के किसी मामले पर मुत्तफिक होने की सूरत में रज़ाई इलाही समझते हुए इजमाए उम्मत की तइद कर देते आपने हुक्मरान ने वक्त के सामने बारहा कलम हक बुलंद किया लेकिन ना तो कभी इंतार की हौसला अफजाई की और ना ही उसमें हिस्सा लिया किसी फसादी ने हज के मौके पर बैतुल्ला के रश में आपके पाओ में जहर आलूद नेजा जब हो दिया इसी जख्म से कुछ अर्सा बाद चौहत्तर हिजरी में तकरीबन पचासी साल की उम्र में आप शहीद हो गए सुनत रसूल सल सल्हुसम के द्रखशन कमर सैदुना अब्दुल्ला बिन उमर रजील्ला हाजरीन के कब्रिस्तान में दफन किए गए सयदना अब्दुल्ला बिन उमर से छब्बीस सौ तीस अहादी से रसूल हैं अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए जी शख्सियत के बारे में पैकेज आपने देखा आगे बढ़ते हुए आपके जो सवाल हैं वो शामिल करेंगे बटी साहब आज का पहला सवाल जी सवाल ये है कि जिस तरह मर्द हजरात पे जुमा के दिन गसल करना फर्ज है तो क्या औरतों के लिए भी ये गसल फ़र्ज है जी लम साहब पहली बात तो यह है कि औरतों के लिए जुमा फ़र्ज नहीं है जी ठीक है जुमे के लिए खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में हाजिर होना ये मर्दों के लिए है तो मर्दों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मन तवजा योमल जुमाती फ़बहा व नमत व मन तसला फ़ल अफजल कि जो जुमे वाले दिन वज़ू करके आ जाए तो वो बहुत अच्छा है शानदार है लेकिन गुसल करे तो वो अफजल तरीन है असल में इसकी इब्तदा क्यों ज़रूरत महसूस हुई जो अनसार साहबा कराम थे वो सारे खेतों में काम करने वाले अपने काम काज खुद करने वाले इंसान थे तो खेतों में काम करते करते मदीना का मौसम भी गर्म है तो पसीना भी आया हुआ है और जुमे वाला दिन आ गए कोई गसल का एहतमाम नहीं कर सके मस्जिद की छत भी छोटी है और है भी खजूर के पत्तों से बनी हुई सेन भी तंग है तो जब सारे सहाबा सबाक्रम इकट्ठे होकर बैठते गर्मी का मौसम पसीना आता तो उसकी जो महक होती वो बहुत तकलीफ दे होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि यौम गसल योमिलजुमा वाजिब अलाकुल्ल महतल हर बाल शख्स जो मस्जिद में आएगा जुमा पढ़ने के लिए तो वो गुस्ल करके आए ये ज़रूरी है अब मर्द हजरात के लिए तो ये कह दिया कि ये गुस्ल करके आए तो ये बहुत अच्छा है इससे पता चलता है कि वाजिब उनके लिए भी नहीं है लेकिन अगर कर के आए तो बहुत अफजल है और एक बड़ा दिलचस्प वाक्य भी हुआ जी अमीर उलोम उम्र फारूक रजी अल्लाह जुमा पढ़ा रहे हैं अपने दौरेकूमत में उस दौर के गवर्नर और अमीर उमिन जुमा भी पढ़ाते थे माशा जुमा पढ़ा रहे हैं तो सईद ना उस्मान रजी एक और बहुत बड़े सहाबी हैं वो लेट हो गए जुमे को दरान मस्जिद में पहुंचे तो अमीर उमो ने खुतबा रोक कर पूछा कि हज़रत ये कौन सा टाइम आने का कहने लगे मेरे मोमिन मुझे पता ही नहीं चला वक़्त का एहसास ही नहीं हुआ और जैसे ही मुझे पता चला कि जुमे का टाइम हो गया और मैं लेट हूँ तो मैं फटाफट वजू करके पहुँच गया हूँ कहते हैं ना अच्छा आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल वसम हुक्म देते थे, थे कि जुमे वाले गसल करना है तो आप सिर्फ वजू करके ही आ गए तो इससे पता चलता है कि गुसल करना अगर वाजिब नहीं भी है तो बहुत ताकदी हुक्म है लेकिन किसके लिए जो जुम्मे पढ़ने जाए ख़ातिन के लिए जुमा फ़र्ज नहीं है लेकिन जो ख़तून जाए मस्जिद में तो बहर उसको भी साफ़ सुथरा लिबास पहन के गुसल करके अहतमाम करके जाना चाहिए तो अगर ये अहतमाम कर लें तो फिर अजर स्वाब भी बहुत है नबी रहम सल्लम फ़रमाते हैं मन ग़स यऊ मजुमत सला जो शख्स जुमे वाले गुसल करे और बड़े अच्छे एहतमाम के साथ करे बेहतरीन गुसल करके पैदल चलते हुए मस्जिद में पहुँचता है पहले वक़्त में जाता है जल्दी जाता है मस्जिद में और इमाम के करीब होकर गौर से खुतबा सुनता है नमाज पढ़ के जब वापस जाता है तो हर कदम के बदले जो वो चल के गया था चल के आ रहा है हर कदम के बदले अल्लाह ताला एक साल के रोजे और एक साल की थाजद का स्वाब था तो Allah. ये गुस्सल का अहतमाम करना मस्जिद में टाइम पर जाना खुतबा सुनना गौर से सुनना यह उसका अजर स्वाब है तो ये सवाब खातून भी हासिल कर सकती है मर्द भी हासिल कर सकता है अगर वो जुमा पढ़ने जाएगी तो ये अहतमाम करके जाए और अल्लाह से सवाब ले ले। ठीक है वैसे एक सवाल इसमें ये थी। भी साथ बन रहा था मुशाह में आते हैं कुछ मसाजिद में खुत के लिए जुमे की नमाज किया जाती है तो उसके बारे में भी फरमा दीजिए जी तो ये मसाजि जिनके अंदर खुवान के लिए अलहदा पोर्शन मौजूद है तो ये बहुत अच्छा है उनको भी दीन के मसायद सीखने का मौका मिलना चाहिए तो ख़ातन को भी अहतमाम करके जुम्मा पढ़ने जाना चाहिए ऐसी मसाजद में जहाँ जगह मौजूद है पर्दे का इंतज़ाम मौजूद है उनके लिए वजू की जगह मौजूद है तो बहुत शानदार है मजदि नबी में देखें बहुत बड़ा पोर्शन वक़ है बैतुल्ला में देखें बहुत बड़ा पोर्शन खुवान की लग से मौजूद है तो पाकिस्तान में भी अलहमदुल्ला मसाजद में ये अहतमाम मौजूद है खुतिन के लिए तो खुतन को भी जुमे के लिए जाना चाहिए और इसी तरह जाना चाहिए इहतमाम करके जिस तरह के मरदज रा जाते हैं अलबतः वह खुशबू नहीं लगाएँगे जी सादगी के साथ साफ़ सुथरा लिबास पहन के और गुसल का एहतमाम करके वो जाएँ अल्लाह ताला के अकामत वो भी सुने अपनी ज़िंदगी में वो भी बरकत लाएँ और अजर स्वाव जो मिल रहा है वो भी हासिल करें ठीक है सर सर आगे पूछा कि पहली औरत के होते हुए उसके इल में लाए बगैर अगर शोहर ने दूसरी औरत से भी निकाह कर लिया है तो क्या उसका दूसरा निकाह दुरुस्त है <laughs> पाकिस्तानी माशरे के अंदर दूसरी शादी और दूसरा निकाह जैसा कि यह सवाल से भी जाहिर हो रहा है कि इसको एक जुर्म समझ लिया गया है। हालांकि ये जुर्म नहीं था और ना है और ना होगा अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने मर्द हजरात को चार शादियों की इजाज़त दी है फरमाया फन कि हुमाता मनसाई मसना वसुल्ला वरुबा दो शादियाँ कर लो तीन कर लो चार कर लो लेकिन अल्लाह ने ख़ुद एक शर्त लगा दी है जो हमारे जहनों में भी आता है और जो मुशरे में पूछा भी जाता है है जी अदल तो करते नहीं हैं इंसाफ इनसे होता नहीं है तो अल्लाह तला तो ख़ुद कह रहे हैं फ़ैन ख़िफ तुम अल्लाह तदिलदा कि अगर तुमसे अदलो इनाफ़ नहीं हो पाएगा तुम समझते हो कि कमज़ोर इंसान वो अदल नहीं कर पाओगे तो फिर एक ही कर लो काफ़ी है अलबा ये जो खातून ने सवाल पूछा कि क्या बगैर इजाज़त के वो शादी कर सकता है तो शरीयत में मर्द पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो पहली बीवी से इजाज़त मांगे हाँ अलबत्तः निकाह के मौके पर खातून ये शर्त रख ले कि खामा दूसरी शादी नहीं करेगा या वो मुझसे पूछे बगैर इजाज़त लिए बगैर नहीं करेगा तो फिर अल्लाह के नबी सल्ला वसम फरमाते हैं कि वो शरूत जिनको पूरा करना बहुत जरूरी है वो वही शर्तें जो निकाह के मौके पर लगाई जाए अगर इस खामद ने वो पहले से ये शर्त कबूल की हुई है कि मैं दूसरी शादी इसकी इजाजत के बगैर नहीं करूँगा, तो इसको नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर ऐसी कोई शर्त नहीं थी तो फिर इस्लाम में ऐसी पाबंदी कोई नहीं है अगर वो बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी करता है तो उसका जायज हक है वो कर सकता है ठीक है सर आपने जो दीनी बात थी वो बता दी हम जरा इस कानूनी बात पे बात कर लेते कि जैसे कानून के हवाले से यहाँ पे ज़ुबान ज़द आम है कुछ ऐसी मिथ पाई जाती हैं कुछ लॉजिक पेश की जाती हैं हमारा जो मुल्क का कानून है उसके मुताबिक इजाज़त ज़रूरी है ये निज़ाम साहब हमारे मुल्क में ये कानून मौजूद है तो शरण ऐसी कोई पाबंदी नहीं है अलबतः कानून की पासदारी करना ये भी माशरती तौर पर ज़रूरी समझा जाता है लेकिन शरीयत के रूप से खामद पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो बीवी सी इजाज़त ले या उसकी इजाजत के बग़ैर ही शादी करे अगर वो उसकी इजाजत के बग़ैर भी शादी करता है तो उसका जायज़ हाक है और उसका निकाब बिल्कुल दुरुस्त शुमार होगा ठीक है सर आगे बढ़ते हैं क्योंकि डिबेटेबल हो जाएगा बहुत जी सारी जी चीज़ें भी हैं लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं जी 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 तो हम आगे बढ़ते हैं जी जी अच्छा अब ये वाला जो सवाल है भट्टी साहब इस पर हम वायरल होने जा रहे हैं वजह आपको भी पता है सवाल ऐसे कि मुझे एक मसला पूछना है अगर शौहर गु़स्से में कहे कि जाओ तुम मेरी तरफ़ से फारक हो जिसके साथ रहना चाहती हो उसके पास जाओ तो क्या इस गुफ्तू के बाद तलाक हो जाएगी ये तलाक हमारा जो है ना माशरे का बहुत ख़तरनाक एक इशू बनता जा रहा है आप तब्र तो नहीं कर सकते कि कितने लोग रोज़ाना इसी मसले के अंदर फंसे हुए हमारे पास आ रहे हैं क्या आप सोच सकते हैं डेरा गाजी खां से एक जोड़ा चले और पेगाम टी वी पहुँचे इसी मसले में रहनुमाई लेने के लिए डेरा गाजी खां से यहाँ आए कि जी हमारा ये मसला है और शादी को अभी सिर्फ दो माह हुए थे अल्लाह फ़र दो माह हुए और ये लैदगी हो गई तो ये जो है ना कि हम गुस्से में ये कह बैठते हैं तो गुस्से को कंट्रोल करने का हुक्म है ना मर्द को अल्लाह ताला ने यह हाकिसी ने दिया कि वो जिसमानी लिहाज से मज़बूत है तो उसको मजबूती का ये नुक़सान तो नहीं होना चाहिए कि जब गुस्सा आए तलाक़ दे दे उसको हौसला करना चाहिए सब्र करना चाहिए बीवी को समझाने का मौक़ा देना चाहिए ख़ानदान को डालें बुज़ुर्गों को डालें तो बहुत सारे स्टेप हैं ये तलाक आखिरी स्टेप था जिसको हमने पहले बना लिया है तो अल्लाह और उसके रसूल और उसकी शरीय ये कहती है कि पहले मौके पर बीवी को समझाया जाए ना कि खामत पहले ही ना समझो की तरह तलाक दे दे नहीं समझती तो उसको बेडरूम से अलहदा कर दिया जाए बिस्तर अल्लाक हो जाए तीसरी मोतक पर थोड़ी सी डांटपट भी कर सकता है खामद अगर वो नहीं बात आ रही नहीं समझ रही बात को डांटपट भी की जा सकती है चौथे मौके पर ख़ानदान के दो बुज़ुर्गों को भेजने का हुक्म है कि एक बुज़ुर्ग बीवी के खानदान से एक खामद के ख़ानदान से भेजो जो उनकी बात सुने मसला क्या है प्रॉब्लम किधर है वालदे ने इतने लाड से इतना ख़र्चा करके इनकी शादी की है तो इनको क्या हुआ है दो चार महीने के अंदर अंदर ही ये बिल्कुल गुस्से से आपे से बाहर हो रहे हैं समझाने की ज़रूरत है अगर वो बुज़ुर्ग भी समझे कि नहीं इनका गुजारा नहीं होता तो फिर उनको जुदाई करा दें तो ये तलाक़ का सिस्टम बहुत बाद में जा आता है लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने टी वी ने हमारे माशरे ने ये लोगों को सिखाया ही है और फिर बदकस्मती की इंतहा ये है कि अष्टाम फरोश जो हैं वो भी बड़े एडवांस हो गए हैं आप किसी भी शहर से तलाकनामा निकवा निकलवा के देखें उन्होंने स्टाम्प पेपर के ऊपर एक ही इबारत है और उसके अंदर तीनों तलाकें इकट्ठी लिख देते हैं जो भी नया जोड़ा आया उसका सिर्फ नाम तब्दील तो किया एड्रेस तब्दील तो किया और दो चार सौ पाँच सौ रुपया ले उनका घर बर्बाद करके हाथ पकड़ा देते हैं तो ये बढ़ता जा रहा है मसले को समझना चाहिए और कौम को समझाने के लिए ही हमारा ये शो है तो मसाइल को समझें अगर खावंद गुस्से में आकर वाक़ता तलाक़ की नीयत से उसको कह रहा है कि तू मेरी तरफ से फारग है तो फिर ये तलाक ही शुमार होगी अगर उसकी नीयत भी है क्या वो इस बीवी के साथ नहीं रहना चाहता इसको अपने पास नहीं रखना चाहता लफ्त तलाक का नहीं बोलता कहता मैंने फ़ारग कर दिया तुम्हें तुम जहाँ चलो चली जाओ अगर साथ अराधा और नीयत भी मौजूद थी तो फिर ये तलाक ही है और अगर तलाक़ की नीयत नहीं थी ऐसे डरा रहा है धमकी लगा रहा है

ऐसी सूरत हाल हम देखते हैं कि ये बार 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 बार, बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे आपने कहा कि दो माह में ये मामला दरपेश हो गया बिगाड़ कहाँ पे आ रहा है मर्दों में आ रहा है खुतिन में आ रहा है हमारी सोसाइटी में आ रहा है हम आखिर वाली बात को पहले ही क्यों कर देते हैं इस पे पे है। पर ज़रा गुफ्तु कीजिएगा निजाम साहब बिगाड़ तीनों साइड पर है शादी पर करोड़ों रुपये का खर्चा कर दिया जाता है बच्चे को इस्लामी कवानीन का पता नहीं है बच्ची को इस्लामी तालीमत का पता नहीं है और अगर ये घर के अंदर झगड़ा कर रहे हों तो जो बुज़ुर्ग बैठे हैं उनको भी पता नहीं है कि इस मौके पर क्या करना चाहिए पता क्या है वही जो ड्रामों से सीखा कि गुस्से में आकर बीवी को तीनों के कटी दे दिए। फिल्मों में देखा कि तीनों के कटी दे दी बल्कि सास बैठी पास उकसारी होती फर्क करो इसको फ़र्क करो फर्क करो तो हर ड्रामे का एंड यहीं पे हो रहा है तलाक पे तो ये हमारा मुशरती मसला भी है दीनी तलीमात की कमी भी है और बच्चों को बिल्कुल दीनी तलीमत ना देने की वजह है तो जिस बच्चे की आप शादी करने जा रहे हैं बड़ा ख़र्चा कर रहे हैं उसको दीनी तलीमत भी तो देनी चाहिए कि भाई निका एक इस्लामी एक फरीदा है तो इसकी ये ये तालीमत हैं निकाँह मौी साहब पढ़ा के चले जाएंगे तलाक आपने खुद ही दे दी उस वक्त भी जरा हौसला करो मौी साहब से पूछ लो कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा था हम किस तरह लैदा हो सकते हैं इसका क्या हल है जब सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं उसके बाद आते हैं जी मौी साहब अब क्या हो सकता है जैसे वो पहले भी हमारे पास मसला आया कि दस बार रोंगटे नहीं खड़े हो जाते कि दस बार तलाक देने के बाद अब समझ आई कि पूछ लेना चाहिए मौलि साहब से पहले क्यों नहीं पूछ लेते तो इस्लामी तालीमत का फुकदान ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने अल्लाह इनको जदाय खैर दे कि कुरान मजीद का तर्जमा कुरान मजीद की तालीम स्कूलों कालेजों में यूनिवर्सिटियों में लाजमी करार दे दी गई है कम अज़ कम जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं उनको ये तो पता हो कि हमारा दीन इस्लाम कहता क्या है निकाह क्या है और तलाक क्या है अभी तो सिर्फ खेल है सिर्फ तमाशा है कि जिसका जब जाता है दिल जब थोड़ा सा गुस्सा आया तो वो तलाक ही देता है और बाद में जब पता चलता है कि हो, हो हो ये तो घर ख़राब हो गया फिर भागते अच्छा सर ये बड़ी अहम बात है जिस पर हमें दो जुमले बोलना बहुत ज़रूरी है हमारे वो बहन भाई या हमारे वो बड़े या वो बुज़ुर्ग या वो बच्चे जो कल को शादियाँ होंगी जिनकी एक चीज़ बहुत अहम है जिस तरह हम अपना रोल अदा करते हैं कि आपको एजुकेट करें आपको बताएं हमारे यहाँ पे मुजस मेहमान मौजूद होते हैं जो ना सिर्फ दीन की आपको मुकम्मल एजुकेशन देते हैं ये ख़ुद भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं एक्सपीरियंस कर चुके हैं कुछ चीज़ें हैं जिन पे गौर करना होगा ख़ास तौर पर इस सवाल ने हमें रोका है वरना और भी आगे बहुत लंबी क्यों है आप वो काम जो सबसे एंड पे करना है सबसे पहले कर देते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि जब ये होगा तब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे अब जैसा दो माह का जिक्र किया साहब ने देखने में आता है सेपरेशन सेपरेशन अगर हो हो गई इतनी जल्दी जाए पूरा मार्ष्टा क्वेश्चन मार्क आपके लिए बना देगा चाहे वो लड़का हो लड़की हो दो माह में सेपरेशन हो गई चाहे आपने दस साल बीस साल जिंदगी गुजारी से होगी उसके बाद की जिंदगी बहुत मुश्किल है मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं आपके भी आसपास लोग होंगे ऐसे कि सेपरेशन तो हो गई गुस्से में कह तो दिया औरत की तरफ से खुला ले ली गई बट जो एक जनवल रीजन है उसके साथ ये मामला तो वो अपनी जगह लेकिन उसके बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है सब, पिछले जी प्रोग्राम सब, में जी 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 एक सवाल आया था कि वालदेना बच्चे नहीं है बूढ़े हैं और आप वो दो मुखले पोर्शन पर रह रहे हैं और बच्चियां खिदमत कर रही हैं और दोनों वो तलाक की वजह से आप दोनों से लादा है तो ये जो कहते हैं ना गुस्से में आकर उन्होंने तलाक दे दी तो इस गुस्से को वही कंट्रोल कर लें थोड़ा ठंडा हो जाए मेरे पास एक ऐसा जोड़ा भी आया खामो कहते जी मैंने गुस्से में आकर बीवी को ये कह बैठा हूँ गलती हो गई है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तौबा कर रहा हूँ रो रहा हूँ बकायदा उस वक्त भी वो रोने लग गया बीवी भी उसके साथ थी बादा ख़ातून वो भी रो दी कहती है नहीं कर साहब ऐसा नहीं है कि ये इसने पहली दफ़ा ग़ुस्से में कहा है ये बीसियों बार ये कदम मुझे कह चुका है और मैं इसके साथ बीवी बन के नहीं बच्चों की माँ बन के अलहदा घर में अलहदा कमरे में रह रही हूँ सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि बड़ी बच्चियों की शादियाँ हो जाएँ तो फिर मैं इससे अलहदा हो जाऊँगी मुझे वो कहती है कि मैं इस टेंशन में कैंसर की मरीजा हो चुकी हूँ कि ये बंदा जब भी गुस्से में बोलता है ये तलाक ही के लफ्ज बोलता है कोई और लफ्ज बोलता ही नहीं है देखिए और वो एक साल के अंदर अंदर वो बीवी फौत हो गई सर यही मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं ना जब जिंदगियां जुड़ी होती हैं दो लोग नहीं जुड़ते दो खानदान जुड़ते हैं दो कबीले जुड़ते हैं एक नई नस्ल आती है उनकी जिंदगियां आपसे जुड़ती हैं और अगर ऐसा नहीं भी है आप न्यूली कपल हैं मैरिड तो फिर अगर आप खुदा न खासा ऐसी किसी स्टेज से गुजरते हैं ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है हॉरेबल हो जाती है हम वही गुफ्तू कर रहे थे कि कह देना बड़ा आसान है कि गुस्से में हो गया और ये गुस्से में ही तो होता है कोई प्यार से थोड़ी कहेगा कि मैंने तुम्हें ये फारिग कर दिया ये हो गया गुस्से में ही तो होता है ये सब उसके बाद जिंदगी उस गुस्से को सारी ज़िंदगी भुगतती है कोई एक या सात जो ज़िंदगी हो तो खुदा इस पर सोचें बहुत मुश्किल हो जाता है चाहे मर्द हो या औरत हो बड़ी साहब डिबेटेबल था तो इस पर थोड़ी बात करना जरूरी हो गई तो बड़ी साहब अगला जो सवाल है वो शामिल करते हैं वक्त थोड़ा रह गया जी जी इमाम पहला तशहुद बैठा था लेकिन उसके जहन के मुताबिक वो आखिरी तशद था इसी नीयत से उसने सलाम तक सारी दुआएं पढ़ ली सलाम फेरने से पहले उसे याद आया या याद करवाया गया कि ये तो पहला तशद था चुनाचे वो तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया क्या इस भूल पर सजदा साहब करना पड़ेगा जी पहली बात तो ये है कि ये सवाल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि सवाल करने वाले के जेन में ये है कि पहले तशाह में दुआएं नहीं कर सकते पहले तशहद में सिर्फ अत्ता ही आज पढ़ के तो उठ जाना चाहिए तो ये यहाँ क्लियर कर लें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में उमल मोमिन आयशा रजील्न अन्हा फरमाती हैं कि आप बाबर रात को नौ रक़ात कट्ठी पढ़ते थे जिसको लैल भी कह सकते हैं सलातुल वितर भी कह सकते हैं तहज्जुद की नबात भी कह सकते हैं तो आप जब नौ रकात कट्ठी पढ़ते थे तो आठवीं रकत पर बैठ कर अतियात भी पढ़ते थे दृशी भी पढ़ते थे और साथ दुआएँ भी करते थे और दुआएं वगैरह करने के बाद बड़ी तसल्ली के बाद आप उठते थे और फिर नौवीं रकत में दोबारा तशहत बैठते थे और उसमें वो पूरा प्रोसेस कियाता याद पढ़ा द्रूषी पढ़ा और उसके बाद दुआएं मांगी और फिर सलाम फेरा तो इस एक रवायत से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई शख्स पहले तशहद में भी दुआएं मांगे तो मांग सकता है जायद हरज कोई नहीं ठीक है अलबत् कुछ ऊलामाय कराम ये कहते हैं कि नहीं पहला तशहद बहुत मुखसर होता था अल्लाह के नबी का ला पहले तशहत में द्रूषी भी नहीं पढ़ना दुआएँ भी नहीं करनी तो ये सवाल मेरा ख्याल है कि साल के जहन में वही बात है जोला माइक्राम ने लिखी कि अगर किसी शख्स ने दरूषी पढ़ लिया दुआएं मांग ली आमदन तो उसकी नमाज खराब हो जाएगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तशहद में दरूषी पढ़ें पहला तशहद हो दूसरा हो कोई बात नहीं तशहद में दरूषी भी पढ़ें दुआएं भी मांगें और यह कोई ख़ता नहीं है पढ़ के उठें तसली के साथ और अगर इमाम पहले उठ गया तो आप भी उठ जाए अब इमाम भूल चुका था वाकई भूल चुका था मुख्तियों ने उसको याद भी करा दिया या उसको खुद याद आ गया अब सईदा साहब कर ले तो अच्छा है कि भूल तो चुका था ना सईदा साहब कर ले तो ठीक है ना करे तो ये कोई ऐसी खता है नहीं कि जिस पर सईदा साहब लाजमी हो जाए ठीक तो उन्होंने पहले तशे में दुआएं मांगी वो भी जायज है और जो वो बैठे रहे अत्यात में वो भी ठीक था कोई हर्ज नहीं है नमाज उनकी बहरल दुरुस्त है ठीक है दोनों सूरतें आपने बयान कर दी आगे पूछा गया अकी के मुतल रहनुमाई दरकार है कि क्या इक्कीसवें दिन भी अकीका हो सकता है या फिर सिर्फ सातवें दिन ही अकीका करना होता है ये अकीका जो है ये असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र का एक जरिया है कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया बेटी दी अल्लाह की तरफ से रहमतें आपको मिली तो आप उस पर शुक्र अदा करते हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल मरतान जी ये जो बच्चा है ये गिरवी रखा हुआ है जब तक अकीका ना किया जाए गिरवी का मतलब कराम ने बयान किया कि जिस बच्चे का आपकीका कर देते हैं वो बच्चा कल क्यामत को अपने वालदेन की सिफारिश कर सकेगा और जिस बच्चे का ककीका नहीं हुआ वो बच्चा अपने वालदे की सिफारिश नहीं कर सकेगा यानी वाले का ही भला हाँ, उनका अपना भला है अपना भला ठीक और है। कुछ उलमायक्राम ने इसका मतलब यह बयान किया कि बच्चा गिरवी का मतलब यह है कि बच्चा अभी आफतों मुसीबतों बीमारियों के नरगे में आए आप जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हकीका करते हैं खुशियाँ बाँटते हैं अल्लाह की राह मजीद आ जाती हैं बच्चा बीमारियों से महफूज हो जाता है अब सुन्नत यह है कि सातवें दिन ये किया जाए बच्चा हो तो दो बकरे या दो दुम्बे और बेटी हो तो एक बकरा या एक दुम्बा एक छतरा लेकर अल्लाह की राह में बा करें खानदान वालों की दावत कर दें गोश्त बाँट दें पका के खिला दें तो सातवें दिन करना सुन्नत है सातवें दिन नहीं हो सका बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं बाज वालदेन के पास अभी माली ताकत नहीं है कई मसाइल हैं सातवें दिन नहीं किया तो लम्माए कहते हैं कि अगले सातवें दिन हैं वो भी सात दिन ही तो अगले सातवें दिन चौदवें दिन कर ले उस दिन भी नहीं कर सका तो उससे अगले सातवें दिन इक्कीसवें दिन कर ले होगा ये कीका ही जब अल्लाह मौका दे जब तोफीक मिले तो यह कर लेना चाहिए यानी जब सुन्नत सातवें दिन है ठीक है उसका अजर स्वभाव अपना है ठीक है अगर वो किसी वजह से रह गया है तो फिर जब मौका मिले कर ले जब भी मौका मिले वो सात दिन हो या सात दिन कर ले में दिन कर अगर ले, अगर साल साल ही डिले हो हो गया बड़ी गया तो फिर जब मौका मिले उस वक्त का ठीक है ठीक है बड़ी साहब वक्त खत्म हो गया जी मैं आपसे भी बहुत शुक्रिया करूंगा अल्लाह आपका जजाक सर कारी साहब आपके भी आने का बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे कारी मोहम्मद आसिफ साहब और इनके साथ मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब ये दोनों मेहमान हमें बड़ा फैज करते हैं एक जब आए तो तलावत कुरान करीम का शर्फ हमें हासिल होता है सुनने का और भट्टी साहब हों तो फिर हम बहुत कुछ सीखते हैं आपके सवाल के जवाब भी देते हैं प्रोग्राम अभी जारी है आपसे मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए